मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार 9 मई को होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सीएम का जनता दरबार महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। राज्य सरकार ने 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक संपन्न हुए डीजी मेडिकल काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। सरकार ने निर्णय राज्य के चिकित्सकों के हित में उठाया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश जारी किया है। जो चिकित्सक अपने संस्थान से एनओसी प्राप्त किए हैं और दूसरे संस्थानों में काउंसलिंग के बाद नामांकन कराया है या फिर नामांकन की प्रक्रिया में लगे हैं, सभी चिकित्सक अपने पूर्व संस्थानों में तुरंत लौट जाएं। बिहार में शराबबंदी लागू है और लगातार शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। इसके बावजूद भी राजधानी पटना में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। पटना के पत्रकार नगर पुलिस ने शराब पार्टी करते बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल बैंक मैनेजर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के एसपी जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी के निर्देश पर कई इलाकों में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी की गई। गंगटा पुलिस और एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने बिहवे जंगल में छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी कर महुआ शराब की 5 भट्टी को ध्वस्त किया। इस दौरान 3400 किलोग्राम फूला हुआ जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं हवेली खड़गपुर थाना पुलिस ने मुढ़ेरी पंचायत के मुढ़ेरी गांव में छापेमारी कर एक अवैध देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। इस दौरान 200 किलोग्राम फूला हुआ महुआ को भी बरामद कर नष्ट किया गया। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने किराने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इसको लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है। बताया जाता है कि किराना व्यवसायी शरण कुमार अपना दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी अपराधियों ने गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के शहीद चौक के पास की है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है, जिसमें दबंगों ने एक युवक को पकड़कर घंटों बांध कर रखा और उसकी जमकर पिटाई की। फिलहाल युवक का सदर अस्पताल बेगूसराय में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजापुर पंचायत की है। पीड़ित युवक की पहचान खाजापुर पश्चिमी निवासी राम कुमार के रूप में की गई है। पीड़ित परिवार ने गाँव के ही युवक संजय ठाकुर पर पिटाई का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि राम कुमार का गाँव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके लिए पहले भी उसे पकड़कर पंचायती की गई थी। लड़की से राम कुमार को राखी भी बंधवाई गई थी। उसके बाद राम कुमार ने उस लड़की से मिलना जुलना छोड़ दिया था। समस्तीपुर के घुड़लख में अपराधियों ने पूर्व सलाह परिषद सदस्य के पति शिवशंकर राय को गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिवशंकर राय अपने घर पर ही टहल रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घुरलक की घटना बताई जा रही है। सिवान में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। नगर थाना क्षेत्र के महादेवा गांधी मैदान के पास बुढ़िया माई मंदिर में चोर ने मां की गले से हार चोरी कर ली। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। देखिए कैसे चोर पहले मंदिर में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद आगे पीछे लोगों को देखता है, फिर मां को प्रणाम कर मां के गले का हार जो कि सोने का था उसे वह चोरी कर लेता है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लोहरदगा जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारियों की ओर से जिले में चलने वाली स्कूल बसों की जांच की गई। जांच के दौरान स्कूल बसों में कई खामियां पाई गई। सभी स्कूल के प्रिंसिपल को एक सप्ताह के अंदर अपने बसों को दुरुस्त करवाने का आदेश दिया गया है, नहीं तो एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस जांच के दौरान जांच दल में जिला परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा के साथ एमवीआई सिरिल बेसरा और सड़क सुरक्षा के इंजीनियर भी शामिल थे। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा के निर्देश पर थर्मल पुलिस ने ओवरब्रिज से 30 टन अवैध कोयला सहित ट्रक को जब्त किया है। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर, खलासी और कोयला तस्कर भाग गए। इस मामले में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कोयला तस्करों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों से पोड़िया बस्ती से ट्रक में अवैध कोयला ले जाने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद एसपी ने टीम गठित कर छापेमारी कर निर्देश दिया था। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचंबा के हटिया रोड में एक बीज भंडार दुकान में आग लग गई। अगलगी की इस घटना से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में आग कैसे लगी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। दुकानदारों की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगी है बल्कि किसी ने लगाई है। बेगूसराय में एक मजदूर की मौत
काम के दौरान हैदराबाद में 2 मई को हो गई थी, जिसका शव गांव पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने और मुआवजे की मांग कर रहे थे। दरअसल मटियानी थाना क्षेत्र के पानापुर गांव के मजदूर मदन ताती लखीसराय जिले के ठेकेदार के देखने में हैदराबाद में काम करता था। बताया जाता है कि 2 मई को काम के दौरान 4 मंजिला इमारत से गिरने के बाद मदन ताती की मौत हो गई। हैदराबाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मदन ताती का शव एम्बुलेंस से भेजा गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा एम्बुलेंस का किराया तक नहीं दिया गया। गढ़वा के राजी पंचायत के मुख्य बाजार के मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि राजी निवासी भीम कुमार अपना दुकान को बंद कर घर चले गए थे, लेकिन जब घर से लौटे तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई है, तो अगल बगल लोगों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। जब तक आग को काबू पाया जाता, दुकान में रखा मोबाइल कंप्यूटर सहित अन्य सामान चलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान में सौर ऊर्जा प्लेट से बैटरी चार्जिंग के लिए कनेक्ट कर अपने घर चले गए थे, उसी से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या का मामला पर करणी सेना अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रही है। वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल बनाने और वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या में संलिप्त अपराधियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर करणी सेना दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजस्थान से बिहार पहुंचे और सबसे पहले वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर गए। उन्होंने कहा कि पुलिस वीर कुंवर सिंह के परिवार के साथ अन्याय किया है, जिसे करणी सेना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी है। एक दिन में 3 हत्याएं हुई, वैसे 2 जमशेदपुर और 1 आदित्यपुर में हत्या हुई। वहीं ताजा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बागन शाही इलाका का रहने वाला एक ड्राइवर के अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया।